डबल लाइन इसलिए आ रही है, ये लाइन क्यों आती है, ये जो लाइन आ रही है चारों तरफ ये क्यों आती है, मार्जिन के लिए आती है। जब भी आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, तो आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये जो जगह छोड़ी जाती है इसको अपन मार्जिन बोलते हैं ना। मतलब ये और ये इन दोनों लाइन के बीच की जो जगह है वो क्या है, मार्जिन। तो यहाँ पर ये जो दो लाइन बता रहे हैं, ये इसका स्पेस बता रहे हैं कि इन दोनों टेक्स्ट के बीच में इतना स्पेस रहेगा, बीच में इतना स्पेस रहेगा। आप जैसे कि क्लिक किया आपने लिखना, आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहीं तक आएगा, और जब आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे नहीं आएगी। ये तो सिर्फ आपको दो कॉलम को डिवाइड कर रही है कि ये जो आपका यहाँ पर इतनी जगह छूटी रहे। एक नहीं, वो एक लाइन आप एक लाइन नहीं ले सकते। अगर आप एक लाइन ले लेंगे तो वो बिल्कुल चिपक कर आएंगे। मतलब ये लाइन ये शो करा रही है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस लाइन से स्टार्ट होगा और इस लाइन पर जाकर एंड हो जाएगा, और जब आप दूसरा कॉलम बनाएंगे तो उस वाली कॉलम में इस लाइन से जाकर स्टार्ट होगा और इस लाइन तक एंड हो जाएगा। ना तो इस लाइन से बाहर जा सकता और ना ही इस लाइन से बाहर जा सकता, और इन दोनों के बीच में इतना स्पेस रहेगा। अगर एक लाइन रहेगी तो आप सोचिए ये दोनों बिल्कुल चिपक कर आएंगे। इससे तो आपको यही लगेगा कि ये दोनों मतलब एक ही लाइन में लिखे हैं, अलग अलग कॉलम में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर बीच में ये लाइन दी गई है। आ जाएगा, आ गया समझ में आपको। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कॉलम गाइड्स का, आपको यहाँ पर बता रहा है स्पेस बिटवीन कॉलम्स। आप चाहते हैं इसके बीच में ज्यादा स्पेस होना चाहिए या कम होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.16 स्पेस है, मतलब इंचेस में है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, अपन अभी पॉइंट में ही दे देते हैं, अपन इसको कर देते हैं 20 और यहाँ से करेंगे ओके। तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेस बढ़ रहा है। अगर आप ज्यादा दे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट में ही देना है। अपन यहाँ से कॉलम गाइड्स पर चलते हैं, ठीक है। अभी बता रहा 0.2, अपन ने जैसे 3 कर दिया या 5 कर देते हैं, 50 भी दे सकते हैं। देखिए ज्यादा स्पेस बढ़ गया हम दोनों के बीच। तो इस तरह से आपको जो भी स्पेस रखना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आ जाएगा 0.0 करेंगे तो देखिए हम आपको बताते हैं 0.0 जीरो हो जाएंगे। आपको एक लाइन चाहिए थी ना, एक लाइन आ गई। लेकिन अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया लिखना, हमने स्टार्ट किया, क्या सही ले रहा है? ठीक है, अब हम आप इस साइड जा रहे हैं। क्या वो एंटर हो गया होगा? मतलब अपन ज्यादा एंटर कर देते हैं तो वो सारा देखिए अब बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा। अगर ये भी पूरा लिखा जाता, ये भी पूरा लिखा जाता तो वो कैसा आता? बिल्कुल एक ही लाइन आती, समझ में नहीं आता। दो कॉलम के बीच में जब भी आप कोई भी कुछ भी बनाएंगे, अगर आप दो कॉलम लेते हैं तो आप उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दो लाइन आप शो करा रहे थे, अपन दो लाइन शो कर रही थी, वो उन दोनों के बीच का स्पेस शो करा रही थी, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं लेंगे तो वो आपका बेकार लगेगा, इसलिए आप जब भी ले कॉलम तो आप स्पेस जरूर दें। अब आप चाहते हैं कॉलम हटाना है, आप कॉलम गाइड्स पर जाएंगे, यहाँ पर आप इसको कर देंगे बंद और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये कॉलम हट जाए। लेकिन अगर आप इसको कॉलम में ले चुके हैं तो ये टेक्स्ट अब वैसा ही रहेगा। आपको नॉर्मल करना है तो फिर आपको डबल से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बर्ड में रहता है कि आप जैसे ही दो कॉलम में करते हैं तो वो ही टेक्स्ट आपका दो में हो जाता है, फिर सिंगल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होता, जो आप करोगे वो ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपी मास्टर गाइड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो सभी पर अप्लाई हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो फ्लो का। ऑटो फ्लो का क्या यूज रहता है, जैसे कि आपने यहाँ पर कोई आकृति बनाई है, ठीक है, आपने यहाँ पर कोई आकृति बनाई, आप यहाँ पर लेआउट पर जाएंगे। देखिए अभी आप देख रहे हैं ऑटो फ्लो पर क्लिक है, एक मिनट, इसका ये यूज नहीं है, हम गलत बता रहे हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में क्या रहता है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे ही आपका एक पेज एंड होता है वो क्या करता है, आपको ऑटोमेटिक दूसरे पेज तक पहुंचा देता है। लेकिन पेज मेकर ऐसा नहीं करता। पेज मेकर में आप यहाँ पे
अपन पहले एमएस वर्ड में चलते हैं, कुछ टेक्स्ट लेकर आते हैं। अब हम इसको कंट्रोल सी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना है। अपन पेज मेकर में चलते हैं और यहाँ पे अभी अपन ऑटो फिलो पर से क्लिक हटा रहे हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं और कंट्रोल टेक्स्ट टू ले लेते हैं पहले। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं कंट्रोल के साथ भी कर रहे हैं, अभी भी कम है, एक बार और कंट्रोल भी कर देते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, टेक्स्ट नीचे जा रहा है। आपने अगर यहाँ से ऑटो फ्लो पर क्लिक किया होता तब ये क्या करता है, ऑटो फ्लो पर हमने क्लिक कर दिया, आप यहाँ पे जो ये वाला टूल भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से आपका जो नॉर्मल टूल है ये टूल लेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है तो आपको देखिए यहाँ पर ये शो करा रहा, रेड कलर की जो लाइन है वो दे रहा है आपको, ये पता ये बता रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल गया, पेज से बाहर जा रहा है। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका माउस पॉइंटर चेंज हो गया, आप यहाँ पर दूसरे पेज पर जाकर क्लिक कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट था वो आपका इस पर आ जाता है। अभी आप देख रहे हैं इस पर रेड लाइन नहीं आ रही है, नहीं अभी ये तो आप यहाँ पे इस पे मतलब ये आपका पेज पे ही आ रहा है, भले ही वो मार्जिन से बाहर जा रहा है तो वो आपका पेज, अगर पेज से बाहर जाता है तब रेड लाइन देता है। जैसे कि हम इसमें कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, अब देखिए ऑटोमेटिक उस पेज पर जाने लगा तो ये रहता है ऑटो फ्लो, ठीक है। अगर जैसे कि हम फिर से आप कंट्रोल ये कर रहे हैं और उसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, हम दूसरे पेज पर जा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल बी, अभी आप देख रहे हैं कि अपना जो टेक्स्ट है अभी तो कमी है। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए, मार्जिन से बाहर चला जाता है तो चल जाता है, पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं आ रही, मतलब ये जो टेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा नहीं जा रहा। अब आप यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिखेंगे तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा है, मतलब उसके आगे का। अगर ऑटो फ्लो पर क्लिक नहीं होता तो क्या होता कि वो सिर्फ यहीं यहीं पर कर देता, आगे वो लेकर नहीं जाता। अगर आपको लग रहा है इसमें भी एक्स्ट्रा है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, मूव टूल से ये बता रहा है, रेड लाइन दे रहा है, मतलब एक्स्ट्रा है। आप इसको थोड़ा सा चाहते हैं कि इतना इतनी जगह में आना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जगह सेलेक्ट करके इस पर आप क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर आपका चेंज हो जाएगा, आप इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएंगे, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। तो ये रहता है इसका यूज आ जाएगा, ठीक है। तो इतने में अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए लेआउट मेन्यू में।